देखो इधर, क्वेश्चन नहीं है। एक धातु का कार्य फलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पर 4×10^14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के 3 काम करने में, गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान विभव और इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग। अब देखो इधर, इतना करने के लिए सबसे पहले हमारे पास है दिया, क्या है दिया, क्या है? एक तो 50 का मान दिया है 2.14, आपतित प्रकाश की आवृत्ति दी है उन्होंने 4×10^14 हर्ट्ज। अब गतिज ऊर्जा हमें निकालनी है। गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है तो उसके लिए गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है, चूँकि ई के बराबर ई माइनस 50 होता है, ई की जगह हम एच न्यू भी लिख सकते हैं ये। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ई का मान हम पहले निकाल लें, समीकरण नंबर 1 मान लें, और हम कहेंगे ई बराबर होता है एच न्यू, एच की जगह आ जाएगा 6.6×10^-34, न्यू की जगह हम मान लगा देंगे 4×10^14, तो आ जाएगा 4×6=24, 4×24=25×10^20, 24×2=26। अब ये जो ऊर्जा है ना, ये जूल मान ली। अब जब हम यहाँ मान लगाएंगे, यहाँ यहाँ दोनों समान होने चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने में 4×10^-20, और इसे ना तुम थोड़ा सा ही चेंज कर लो, 1 और इधर ले आओ, 19 हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं, ये कट जाएगा आराम से। बस बस, तो जी 2 के बाद 10 यहाँ है, 10 उठाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर जो है वो 264 और यहाँ 160 बचेगा, कट जाएगा क्या 264? 4 से काटें, 4×24 ये कट जाएगा, इसे और काटें अभी हम, 33 का आधा कितना होता है, 1 अंक बाद और ले आएंगे इधर, थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी फिर हमें। अबे यहाँ चौपाल पाए हो क्या है, होशना कहाँ बैठे हो तुम, ये पता चल गया होगा तुम्हें कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। नलायक आदमी, एक बार रोज एक ही बात 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 जलील होने की आदत पड़ गई है। देखो क्या एरर हो रही है हमारी, हमारी एरर ये हो रही है कि कार्यफलन ये है आपतित प्रकाश वो। अब उसमें होना क्या है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तो तब होगी जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हों, आपतित प्रकाश ये है। अब इतना अगर जो हम इस पर डालेंगे तो उसे चाहिए इतना, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो हमें जो है वो दो तरीके हैं, या तो हम कार्यफलन कम कर लें, ये दरअसल क्वेश्चन खुद मैंने बनाया था इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर जब तुम्हारे उसमें एग्ज़ाम आएगा तो वो उस हिसाब से बाकायदा कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, और जब वैल्यू होगी तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहने का मतलब ये है।
तो ऐसा नहीं है, हम सिर्फ 14 को 15 कर देंगे ना तो घात यहाँ बढ़ जाएगी हमारी, ये 16 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सोचो ना, घात एक बढ़ा देंगे हम, तो जब घात बढ़ाएंगे किसका मन बढ़ेगा? 14 था नहीं, तो घात बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। या एक घात और बढ़ा दो, कितनी बढ़ा दो, 15 करके देख लेते हैं। हमें पहली बात ये है कि हम आगे के आंसर तो हम तब निकालेंगे, या आंसर तब निकालेंगे जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हों। क्वेश्चन ऐसे क्यों कर रखा? देखो, हमने कल तरंग दे वाले, आवृत्ति वाले, सब तरीके के क्वेश्चन कर लिए थे। एक क्वेश्चन बचा था विरोधी विभव वाला, बी जीरो का मान निकालने का क्वेश्चन। इसके अलावा फिर और क्वेश्चन आते हैं, दो तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो विरोधी विभव तो तब निकलेगा जब हमें इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पता चले। अब देखो, इसमें 15 का जो करा भी तुम मत करना, करके देख रहे हैं कि हमारी इतनी आवृत्ति दी हो तब की बात बता रहे हैं। 15 नहीं तो फिर 16 करेंगे। बताइए, 15 जब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 19। तो जी यही 19 हो जाएगा। आज जब ये 19 हो जाएगा, दशमलव हमारा यहाँ होगा, इससे पूरा पूरा दशमलव कट जाएगा। हाँ जी, कितना होगा? इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार बचेगा। अब ये बचेगा 4 बार, और ठीक है, ये 4 बचेगा। अच्छा, तो यहाँ 2 आएगा, इसे काटेंगे, 2 आएगा, और ये कितना आ जाएगा? अब ठीक है, तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा 16.5 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 2.14 से आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है जी, इतना है ये ऊर्जा, वो आपतित प्रकाश की ऊर्जा आ गई। अब हम कहेंगे देखो सर, समीकरण 1 से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, अब यहाँ से पहला पार्ट तुम्हारा स्टार्ट होता है, और वो ये था कि ई के बराबर जो है वो ई माइनस पाई जीरो है। ई आया है हमारे पास 16.5 माइनस के 2.14, कितना हो जाएगा? ये 50 है, 50 में से 14 जाएंगे तो 36 बचेंगे, 50 में से 14 जाएंगे 36 बचेंगे, 16 16 में से 2 जाएंगे 14 बचेंगे। अब लोगों को तो और यही नहीं पता चला होगा कैसे घटा दिया, क्योंकि बचपन से आदत तो यही है कि हासिल लगा 1 और 9 और 1। पता चला ना, या लिख करके दिखाऊं? यह होता है, वो 0 बढ़ा लेते हैं हम अपने हिसाब से। 4 बचाओ, 4 में 3 और ये 4, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट टूट जा गए तुम्हारी। ये पहला आंसर आ गया। अब सेकंड में वो कह रहे हैं कि विरोधी विभव ज्ञात करना है, बी जीरो का मान ज्ञात करना है। अब फॉर्मूला एक हमने किया था, चूंकि ई के बराबर 1/2 हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर बराबर ई बी जीरो, तो ई बी जीरो ये फॉर्मूला आया था, ये इसके बराबर भी होता है, ये इसके बराबर भी होता है, तो हमें तो विरोधी विभव निकालना है। तो ई के बराबर जो है ना ई बी जीरो आ जाएगा, और बी जीरो बराबर हो जाएगा ई के अपॉन ई। हाँ, 14.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई। आप चाहो तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का आवेश लगा के यहाँ भी इससे काट दो, वरना ई से ई कैंसिल कर दो, तो बी जीरो बराबर जो है वो 14.36 वोल्ट ही बच जाएगा। बस या दोनों का आवेश खोल देते तो आ जाता है, ये बी जीरो का मान आ गया। फिर इसके बाद उन्होंने थर्ड में पूछा है, जो कि ये क्वेश्चन आगे को तुम्हें करना है, क्या कि ई के बराबर जो है वो हाफ एम बी मैक्स होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम चाल या वेग, वेग क्या पूछा? बी मैक्स पूछा, तो 2 पर जाएगा, एम नीचे जाएगा, तो ई के साथ तो 2 आ जाएगा और ये एम। अब बी मैक्स बराबर जो है वो अंडर रूट में चला जाएगा ये सब, यानी कि 2 और ई का मान आया था ये, और इलेक्ट्रॉन का भी आवेश लगा देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और द्रव्यमान लगा देंगे 9.1 × 10⁻³। ये डिवाइड करना है, यहाँ जो भी आंसर आएगा मीटर प्रति सेकेंड लिखती है। ये आएगा
दो अंक ही हैं वैसे तो, तीन ये हैं, तो दो जीरो और बढ़ जाएंगे, करते रहना डिवाइड आराम से। चैप्टर खत्म हो गया, नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। 1436 किसी का बर्थ तो नहीं होता भाई? हाँ जी, टेस्ट नहीं ले रहे। अब जो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां या अर्धचालक, वो बस 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 बैठे सर। ओ आप बोलो मत भाई जरा। अरे यार आप पेन पेन खेल लो, क्या कर रहे हो? देखो इधर, ये चैप्टर नंबर पूरी बुक का जो वो लास्ट है, इसके बाद एक चैप्टर और हुआ करता था, लेकिन वो इस कोरोना की वजह से नहीं, वो 2018 में तुम्हारे उससे सिलेबस से निकाल दिया था। वो चैप्टर था संचार निकाय, जिसमें हम तरंगों के बारे में पढ़ते थे। तुम अनसोल पेपर लेकर आओगे ना जब, तो उसमें जब तुम देखोगे ना, तो उसमें कुछ ये चीज़ें मिलेंगी तुम्हें। सुन लो एक मिनट जरा। मांडुलक, आकाश तरंगे या स्काई तरंगे, संचार निकाय के तत्व, भू तरंगे या कभी कभी ऐसा आता है स्काई तरंगे, स्काई तरंगे कभी कभी आ जाता है व्योम तरंगे, आयाम मांडुलन, ये पांच छह टॉपिक होंगे तुम्हारे। ये पांच छह टॉपिक हैं तुम्हारे, छह सात जो भी हैं, ये टॉपिक तुम्हारे सिलेबस से इस बार नहीं निकले, ये पिछले साल से और पिछले साल निकल गए, 2018 में निकाल दिए गए थे। मतलब ये पूरा चैप्टर ही निकाल दिया गया था 21 में। चैप्टर का नाम हुआ करता था संचार निकाय। इस चैप्टर से अब ये, क्योंकि 21 चैप्टर हुआ करते थे, वो 21वां चैप्टर खत्म, तो 20 चैप्टर अब तुम्हारे रह गए। अब 20 चैप्टर में से बात आती है कि टोटल 20 चैप्टर, कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होता है ना, इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छोड़ो, अब एक से लेकर 20 चैप्टर तक जो कोई पूछे कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो वो यही है। 20 चैप्टरों तक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर वो यही है, और इसी से सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, और इसी से ही सबसे ज़्यादा जो पाँच नंबर में या बड़े बड़े नंबरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर भी अपने आप में बड़ा है, जितने सारे चैप्टरों ने अब तक खत्म होने में टाइम लिया था, उससे दो चार दिन ज़्यादा ही लेगा ये, ठीक है जी। अब ज़्यादा भी लेगा, और खासियत इसकी ये है कि इसमें न्यूमेरिकल भी नहीं है, समझ गए, न्यूमेरिकल भी नहीं है, और अच्छी बात यह है कि इसमें आर्टिकल भी नहीं है, ठीक है जी। तो अब तुम लोगों के लिए सोचने वाली बात है, फिर बचा क्या, चित्र और थ्योरी बची है। तो जी अब ओए सामने से बातें करो, थोड़ी शर्म ना रही पीछे से। तो जी गर्दन टूटी पड़ी है, और चैप्टर का नंबर पूछ लो यार, कहाँ को देख रहे हो, कहाँ पूछ रहे हो। अब ये चैप्टर, अब अलग अलग किताबों में ये चैप्टर का नाम अलग अलग हो सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हैं, अर्धचालक, कहीं कहीं संधारित्र, वो संधि डायोड के नाम से भी चैप्टर होता है, तो संधि डायोड हो सकता है, ट्रांजिस्टर के नाम से भी चैप्टर हो सकता है, अर्धचालक के नाम से हो सकता है, नॉर्मल ये दो नाम ज़्यादा चलते हैं, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। अब दरअसल जो तुम्हारे पास है, हम शुरू की बात करते हैं, चैप्टर नंबर चार था, चौथा चैप्टर जो पढ़ा था ना संधारित्र वाला, वो अचालक के बारे में पढ़ा था। पांचवा चैप्टर जो पढ़ा था ना, उसका चैप्टर का नाम ही चालन था। अब बीसवां चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इस चैप्टर का नाम अर्धचालक है। और दुनिया में बस ये तीन तरीके के ही चैप्टर होते हैं, मतलब तीन तरीके के ही तत्व होते हैं, या तो वो चालन करेगा, या नहीं करेगा, या थोड़ा थोड़ा करेगा। ये जो थोड़ा थोड़ा चालन करते हैं ना, बस इसी की खोज मानव ने बड़ी विस्तार तरीके से कर दी है,
और जितने भी तुम अभी ये देख रहे हो ना बार बार ऐसा देखते हैं, मैं उस दिन सालों के बारे में बता रहा था, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, रिमोट चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं। कभी कभी तुमने टीवी में देखा होगा कि भाई रात को हमने कोई प्रोग्राम लगाया, हमें ऐसा लगता है हम सो जाएंगे, तो हमने टाइमर लगा दिया, ठीक है, टाइमर लगा दिया। टाइमर लगाने का मतलब क्या हो गया भाई, 20 मिनट 30 मिनट बाद टीवी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है, जब तक हम देख रहे हैं जग रहे हैं, ठीक है। अगर हमें धोखे से नींद आ गई तो टीवी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ये ऐसे टाइमर होते हैं मोबाइल उसमें भी। और ऑटोमेटिक क्या क्या चीज़ ऑटोमेटिक नहीं है, अगर तुम इतनी देर तक मोबाइल नहीं देख पा रहे हो, मोबाइल की लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जा रही है, स्विच ऑफ हो जा रहा है, जितने भी सिस्टम वगैरह है तुम्हारे कंप्यूटर वगैरह, तुम देख रहे हो भाई ये फाइल डाउनलोड होने के बाद में मोबाइल पूरे का पूरा कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, तो वो पूरा पूरा शट डाउन हो जाता है, टाइमर लग जाते हैं, ये सारी चीज़। और अब तो मोटर ऐसी आ रही है पानी वाली, समरसेबल वाली ऑटोमेटिक मोटर आ रही है कि भाई टैंक भर जाए मोटर बंद हो जाती है, या मोटर गर्म हो जाए तो मोटर खुद बंद हो जाती है, या और अगर जो मोटर पर एक्स्ट्रा कोई लोड पड़ रहा है ना, खुद मोटर बंद हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिक, ये जो सब ऑटोमेटिक का चक्कर हो रहा है ना, हाँ, ये जो सब ऑटोमेटिक का चक्कर हो रहा है ना, वो इसी चैप्टर के कारण हो रहा है, ये चैप्टर है वो। ये जो अर्धचालक है ना, सबसे पहले तो ऐसा लगता था लोगों को अर्धचालक बहुत बुरी चीज़ है यार, किसी काम की तो है नहीं, लाइट भी अटक अटक के जा रही है इसमें, क्या फ़ायदा। लेकिन जब इनके बारे में गहन रिसर्च की गई तो पता चला कि ये तो मानव के गुलाम है, ये तो गुलाम की भांति कार्य करते हैं, इंसान जैसा चाहे ऐसा काम करवा लें, जैसा चाहे ना करवाए, मतलब हम चाहें तो इसमें धारा प्रवाहित करवा दें, ना चाहें तो ना करेंगे। या बहुत सारे अब सिस्टम ऐसे आ रहे हैं, अब तो खैर बहुत ज़्यादा स्मार्ट टीवी वगैरह आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अब कि तुमने टीवी से पहले कुछ लोग ना, कुछ लोग के लगभग सभी लोग स्टेबलाइजर लगाते हैं, स्टेबलाइजर लगाते हैं कि भाई अगर जो लाइट तेज आए या कुछ आए तो वो टीवी हमारा आगे फूकने से बच जाए। लेकिन अब इसमें स्टेबलाइजर लगाने का चक्कर खत्म, अब जितने भी स्मार्ट टीवी आ रहे हैं ना, वो सीधा कह देते हैं कि भाई स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपना आप ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेंगे। यानी कि अगर तुम्हारे यहाँ लाइट तेज आती है तो पूरे का पूरा टीवी नहीं फूकेगा, बाहर एक डायोड वगैरह लगा होगा, सिर्फ एक डायोड जो मुश्किल से 1-2 रुपये का आता है, वो डायोड लगा होगा, वो अपना हट जाएगा या उड़ जाएगा, ऐसा सोचो फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज नहीं होता है, डायोड होता है, उसे जेनर डायोड कहते हैं। तो वो डायोड क्या होता है कि वोल्टेज को कंट्रोल करता है, और उड़ता भी नहीं है, उड़ता तो बहुत मुश्किल से जाके है। अगर तुम्हारी 300 लाइट आ रही है और टीवी को 200 चाहिए, तो सोचो वो बाकी 100 वोल्टेज अपने पास तक ही रोके रखेगा, आगे को नहीं जाने देगा, आगे तो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि उसे जैसे लाइट आ रही है वो उतनी ही जाने देगा। अगर जो वोल्टेज अचानक में बढ़ ले ना, तो आगे को स्मूथली लाइट भेजेगा, तुम्हारे पूरे के पूरे सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि पीछे से लाइट तेज भी आ रही थी। लेकिन उसमें क्या होता था स्टेबलाइजर में भी, कि स्टेबलाइजर में कट होने का वो होता है कि अगर जो 220 या 250 या जितने भी तुम्हारा कट है ऑटो कट है, अगर इतने वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आते हैं तो स्टेबलाइजर बंद हो जाएगा और टीवी वीवी वगैरह तुम्हारा बंद हो जाएगा। ऐसे तो होता है कुछ कि कट हो जाता है उसमें, नहीं देखा ऐसा कुछ हो रहा है? अब ऑटो कट आ रहे हैं लेकिन कट हो जाते हैं, कट हो जाता है मतलब वो बंद हो जाता है, भाई वोल्टेज फिर कम करने पड़ते हैं रेगुलेटर से या स्विच वगैरह से जो भी है, फिर वो ऑन होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अब जितने भी डायोड लगे हुए टीवी या कोई और भी ये सर्किट वगैरह आ रहे हैं, उन सब में खासियत ये है कि जेनर डायोड लगे होते हैं, जेनर डायोड तो इतना इस बार नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन और दूसरे डायोड लगे होते हैं कि अगर वोल्टेज ठीक ठाक आ रहे हैं तो चलता रहेगा, तेज भी आ रहे हैं ना तो भी चलता रहेगा, फूकने फूकने का चक्कर खत्म। तो ये ना ही इतने यूज ये होते हैं, ना ही इतने ये होते हैं। अगर लाइट में मतलब इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा अगर जो कोई परिपथ चलते हैं ना, तो वही नहीं के चलते आधे चालक, यहाँ तो तुम्हें ऐसा समझना है कि 0.1% पढ़ के जा रहे हो। अगर तुम में से किसी को बीटेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ना, बीटेक करने का, तो सारे का सारा अर्ध चालक ही पढ़ोगे, जितने सर्किट पढ़ोगे, जितने इलेक्ट्रॉनिक पढ़ोगे, बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स नहीं, इलेक्ट्रिकल्स वालों को नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स जिससे कि सर्किट बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डायग्राम वगैरह सर्किट बनाते हैं जिसमें वो कोई भी कंप्यूटर वगैरह या टीवी के या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बनाते हैं, वो जाते हैं उन्हें पता होता है कि सर्किट जो खराब होते हैं या कैसे आते चालक कैसे कैसे उसमें यूज होते हैं। तो ऐसा कोई सर्किट ही नहीं है, तुम्हारे एक छोटे से छोटे चार्जर से लेकर बड़े से बड़े कितने भी बड़े से बड़े विद्युत परिपथ में ऐसा कोई सर्किट नहीं जिसमें कि अर्धचालक ना हो, हर किसी में, ठीक है जी। और अर्धचालक की खासियत ये है, पहले चलती थी वो आईसी वाली डेक, नॉर्मली उनकी आवाज़ इतनी नहीं होती थी, धमाक वमक नहीं बनती थी। अब जो डीजे पे बड़े बड़े एम्पलीफायर आ रहे हैं ना, एम्पलीफायर, तो वो अर्धचालक के आ रहे हैं, उन्हें कहते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, अगर किसी ने नाम सुना हो तो ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर आ रहे हैं। अब ये बहुत अपने आप में अलग दुनिया है, अब तुम इसके बारे में पढ़ते रहोगे, अब सुन लो एक मिनट। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास अर्धचालक, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तुम्हें इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि अभी ज़्यादातर इस चैप्टर में कुछ आर्टिकल वर्टिकल तो है नहीं जो बीच में वो समझाया जाए। हाँ, इसमें सिर्फ चित्र आएगा, उससे संबंधित थ्योरी, चित्र थ्योरी बस, इसमें कुछ आर्टिकल कुछ नहीं। आप देखो उधर, इन दो को तो छोड़ो, अर्धचालक को पकड़ो। अर्धचालक क्या होते हैं, तो तुम दिमाग में सिर्फ दो ही अर्धचालक रखना जो सबसे शुद्ध और आसानी से हमें मिल जाते हैं। अर्धचालक और भी होते हैं लेकिन सबसे शुद्ध और आसानी से मिलने वाले जर्मेनियम और सिलिकॉन है।
ऐसा ही दोनों की संयोजकता अपनी चार चार होती है। ये बहुत आसानी से और सस्ते हमें उपलब्ध हो जाते हैं, इनसे हम कुछ भी बना सकते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं। अब इन अर्धचालकों को ऐसा मान के चलो कि ये कोई जर्मेनियम या सिलिकॉन है। अब इसमें क्या होता है कि हम इन जर्मेनियम सिलिकॉन में कुछ अशुद्धि मिलाएंगे। अशुद्धि अशुद्धि क्या है कि ये चार वाला है, संयोजकता वाला है, या तो हम इसमें पांच वाली अशुद्धि मिलाएंगे या तीन वाली अशुद्धि मिलाएंगे। तीन संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएंगे तो एक क्वार्टर खाली रह जाएगा, एक जगह खाली रह जाती है, जिसके कारण ये क्वार्टर धनावेशित होता है। इसे कहते हैं पी टाइप अर्धचालक। पांच वाली मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन फालतू होता है, नेगेटिव फालतू होता है, तो इसे कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। तो ये बहुत अच्छी तरीके से संरचना है इसकी। तो पी टाइप एन टाइप अर्धचालक बन जाते हैं। अगर इन दोनों अर्धचालकों को अगर किसी ट्रांजिस्टर इसके अर्धचालक के एक सिरे पर हम पी टाइप अशुद्धि मिला दें, पी टाइप अशुद्धि एक सिरे पर हम एन टाइप अशुद्धि मिला दें, तो ये दो तरीके के अर्धचालक बन जाते हैं। अलग अलग नहीं होते हैं, दो तरीके के अर्धचालक बन जाते हैं। और दो को ना जो तुम्हारी ये ग्रीक लैंग्वेज वगैरह होती है इसमें दो को डायोड कहते हैं, तीन को ट्रायोड कहते हैं, चार को टेट्रोड कहते हैं, पाँच को पेंट्रोड कहते हैं। अब होता क्या था कि 2008 से पहले तुम पेंट्रोड तक ये टेट्रोड तक पढ़ते थे, लेकिन अब जो है तुम्हारे सिलेबस से निकाल दिया गया, अब सिर्फ तुम डायोड पढ़ते हो, वरना ट्रायोड भी हुआ करता था, टेट्रोड भी था, पेंट्रोड भी था, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है, डायोड ट्रायोड वाल्व, अब तुम्हारे पास सिर्फ डायोड डायोड रह गया, डायोड। और डायोड तो ये बन गया क्योंकि दो अशुद्धि मिलाई हैं, लेकिन इसे कहते हैं पीएन संधि डायोड। क्या क्या काम करता है, इसके भी अपने अलग अलग खासियत है, जितने भी इन्वर्टर वगैरह या जितने ये एसी से डीसी, डीसी से एसी कन्वर्ट करते हैं, वो सब पीएन संधि डायोड के कारण ही करते हैं। तो पीएन संधि डायोड अर्ध तंग दृष्टिकारी की भांति, पूर्ण तंग दृष्टिकारी की भांति, और ये एलईडी वाले जो जलने बुझने वाले सर्किट बनते हैं या किसी से उसमें सजावट वगैरह करते हैं, ये सब पीएन संधि डायोड का काम होता है। अब इसी से डायोड वगैरह जो मैं तुमसे बोला था ऑटो कट वगैरह करते हैं, वो सब इसी से करते हैं, डायोड से। अब सोचो कि एक अर्धचालक है, उसके एक सिरे पर हमने पी टाइप अशुद्धि मिला दी, दूसरे सिरे पर पी टाइप अशुद्धि मिला दी, बीच वाले सिरे पर एन टाइप अशुद्धि मिला दी। कितनी अशुद्धि मिलाई? तीन। तो तीन अशुद्धि को हम ट्रांस कहते हैं, और ये पूरे का पूरा जब डायोड ये पूरा बन जाता है ना, तो इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। तीन अशुद्धि मिलाने के लिए, और ट्रांजिस्टर जो हो ना, वो दो तरीके के होते हैं, एक तो पीएनपी और एक हो सकता है कि इधर भी एन मिलाएं, इधर भी एन मिलाएं, बीच में पी मिलाएं, एन पीएन ट्रांजिस्टर। दो तरीके के ट्रांजिस्टर पड़ेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब जो सही तरीके से चैप्टर से जो ज्यादा बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि पांच नंबर में, लगभग दो पेजों में तुम इसे नीला नीला करके लिखोगे सही से, क्रियाविधि। अब ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि के बाद में ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र, अभिलाक्षणिक वक्र, ये भी पांच नंबर में। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, प्रवर्धक का मतलब होता है एम्पलीफाई, यानी कि ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर बनाएंगे। ये जो बार बार उसमें देखते हो ना, कहीं से साउंड वगैरह बजते हैं या डीजे वगैरह जब बजता होता है, तो बाकी बॉक्स वगैरह तो होते हैं, लेकिन इतना बड़ा बॉक्स भी होता है जिससे सारे कनेक्शन हो रहे होते हैं, तो वो जो बड़ा सा बॉक्स होता है ना, वही एम्पलीफायर होता है। इसकी खासियत ये है, सोचो एम्पलीफाई करने का मतलब होता है बढ़ाना। सोचो तुम्हारे पास कोई गाना है, तुम्हें अपनी मनपसंद का गाना बजवाना है, तो तुम उससे कहोगे भाई साहब ये वाले मोबाइल से गाना चला। अब तो खैर वाईफाई का चक्कर चल रहा है वैसे भी, लेकिन पहले क्या होता है कि वो एम्पलीफायर में लीड लगाएगा और तुम्हारे मोबाइल में लीड लगाएगा, तुम्हारे मोबाइल में कितनी धीमी आवाज है, लेकिन वो उस आवाज को कितने हजार गुना बढ़ाता है कि वो पूरे के पूरे उसमें गूंज जाती है, कितनी भी दूर तक आवाज को ले जाओ उसे, समझ लो। तो मोबाइल की छोटी सी आवाज को, छोटा सा गाना जो मोबाइल में बज रहा है, उसे इतनी तेज आवाज कर देता है कि पूरे स्पीकरों पर बज के वो कितनी तेज ध्वनि निकालता है। तो जी उस आवाज को ऐसा सोचो कि ये कितनी प्रवर्धित कर देता है, तो ऐसा माना जाता है कि 1 करोड़ तक तो बढ़ा देता है, 1 करोड़ गुना बढ़ा देता है, ठीक है जी। वरना नॉर्मली आमतौर पर जो है ना, वो 10,000 गुना तक बढ़ा देते हैं, तो 10,000 गुना तक आवाज को प्रवर्धित कर देता है। दूसरा यह आता है 2 लीटर की भांति, 2 लीटर का मतलब होता है कि जो
एसी को डीसी और डीसी को डीसी को एसी कन्वर्ट कर देता है, तो ये 2 लीटर की भांति कार्य करता है। तीसरा आता है ट्रांजिस्टर स्विच की भांति का मतलब, अभी अभी जो मैं ऑटो बता रहा था कि भाई हमारे मोटर चलते चलते जो है वो पता चला कि गर्म हो रही है, अब फूकने वाली है, लेकिन इससे पता चलेगा कि यार फूकने वाली है, ये फटाक से मोटर को ये शट डाउन कर देगा, वो चलेगी नहीं। या वो टाइमर वगैरह जो लगे होते हैं, टाइमर जैसे तुमने सेट कर दिया और सेट करने के बाद में इसे पता चलेगा भाई उस टाइम पर जाके ये टीवी या जो भी कंप्यूटर वगैरह वो शट डाउन हो जाना चाहिए, तो ये स्विच की भांति कार्य करते हैं। ये चीज़ आगे तुम्हारे 5 के 5 ट्रांजिस्टर के जो भी है ये सब 5 नंबर में, बड़े बड़े क्वेश्चन यही हैं। क्रियाविधि, क्रियाविधि, अभिलाक्षणिक वक्र, प्रवर्धक, दोलित और स्विच की भांति। इतना करने के बाद में फिर एक ट्रांजिस्टर और डायोड की एक अपनी मिक्स होकर एक अलग दुनिया होती है, उसे कहते हैं हम गेट। ये गेट वो वाला गेट नहीं है जो दरवाजे वाला गेट होता है, दरअसल ये डिजिटल परिपथ होते हैं, कंप्यूटर वाले परिपथ। अब सुन भी लो, डिजिटल सर्किट होते हैं ये, इनमें क्या होता है कि इनका काम होता है या तो ये काम को करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब हाँ ना में काम चलता है जो कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर भी 1-0 का काम करता है। 1-0 का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में 1-0 ही होता है। 1 का मतलब होता है यस और 0 का मतलब होता है नो, ठीक है जी। कंप्यूटर जो है ना वो यस नो पे काम करता है, और जितने भी डिजिटल परिपथ हैं वो यस नो पे काम नहीं करते थे, वो पेंडिंग में करते थे। यस नो का मतलब है या तो कंप्यूटर उस काम को करेगा या हाथ का हाथ मना कर देगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है जी। हाँ ना बे, ऐसा नहीं है कि तुमने कोई गाना डाउनलोड किया, कंप्यूटर से आया कि वैसा वैसा 3 महीने बाद संपर्क करियो, मैं डाउनलोड करके रख लूंगा, ऐसा नहीं होगा, पेंडिंग में नहीं रखेगा। या तो वो उसी वक्त डाउनलोड करेगा या नहीं करेगा। तो हमारे पास जितने भी मोबाइल वगैरह हैं, कंप्यूटर हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, वो यस नो पे काम करते हैं, 1-0 पे काम करते हैं कि भाई होगा तो अभी होगा वरना नहीं होगा। टाइम नहीं देते कि भाई 2 दिन बाद आके मिलियो या बाद में मिलियो, इतना मैं दूसरा काम कर रहा हूँ यार। ऐसा नहीं है कंप्यूटर में फाइल डाउनलोड हो रही है, तुमने गाना डाउनलोड लगा दिया तो कहता वो मैं तेरा काम करूँ, पहले मैं डाउनलोड करूँगा उसके बाद तेरा गाना डाउनलोड करूँगा। ये काम बैंकों में होता है, अगर वो ये काम करोगे ना तुम जाओगे नहीं भाई साहब, पहले मैं ये वाला कर लूँ उसके बाद खड़े रहो। तो कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, वो 1-0 पे काम करता है। अब देखो सर, तो जो ये गेट है, ये गेट 3 प्रकार के होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। आपस में भी ये जुड़ जाते हैं, ये नॉर गेट बन जाता है, ये एंड गेट, और ये जो नॉट गेट और गेट जब मिल जाते हैं ना तो ये नॉर गेट बन जाता है, और एंड गेट और जब नॉट गेट आपस में मिल जाते हैं तो ये नैंड गेट बन जाते हैं, और एक एक्सोर गेट बन जाता है। तो 3 गेट ये हैं, 3 ये हैं, 6 प्रकार के गेट पढ़ेंगे और यहाँ तक तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो नीचे बैठ जाओ। ये इसके बाद हेडिंग डालोगे तुम, चैप्टर स्टार्ट होता है तुम्हारा, उसके बाद हेडिंग डालोगे पदार्थों के प्रकार। अभी टाइम है, लिख दे जरा, मैं बता रहा हूँ। अरे पहले बता रहा हूँ वो तुम ही करोगे। पदार्थों के प्रकार इसमें लिखेंगे, हाँ जी, पदार्थों के प्रकार। इसमें लिखेंगे चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। चालकता के आधार पर, एक मिनट सभी देख लेना जरा, जब अनसोल्व पेपर है, अगर तुम अनसोल्व पेपर खोल कर देखो और तुम्हें ये वाले टॉपिक नजर आए ना, चाहे तो नोट कर लेना, तो इन्हें इग्नोर कर देना, इन्हें छोड़ देना, क्योंकि अभी तुम्हारे सिलेबस से बाहर हो चुके हैं। 18 से पहले हुआ करते थे, इसलिए 18 से पहले वाले पेपरों में तुम्हें एक क्वेश्चन तो 100% हर पेपर में मिलेगा, आयाम मांडुलन भावी। ये आयाम मांडुलन हर पेपर में तुम्हें मिलेगा, आयाम मांडुलन या आवृत्ति मांडुलन। तो आयाम मांडुलन बार बार मिलता रहेगा, वरना आकाश तरंग है, मांडुला के ये संचार निकाय के तत्व कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, तो बार बार तुम ढूंढते फिरोगे कहाँ ये, तो ये इसमें से कुछ नहीं आएगा, इसलिए तुम इसे छोड़ दोगे। ये सीबीएसई और हर बोर्ड से निकल चुके हैं इस टॉपिक। लेकिन चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है, या 3 भागों में बांटा गया है। देखो सर,
इन तीनों की परिभाषा तुम अपना आप लिखोगे, मैंने कई बार लिखवा रखी है, बहुत सारे लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ ली होगी। इसके बाद हेडिंग डाल देंगे बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक अचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या। देखो भाई सीधी सी बात है, सब लोग आए हैं, ध्यान से सुन लेना इस बात को, बैंड से हेयरिंग डाल देंगे बैंड सिद्धांत के आधार पर। ध्यान से इस बात को सुन लेना कि चैप्टर अपना आप में कड़ी वाई कड़ी झूलता हुआ चलता है। एक दो दिन मिस होने के बाद में तुम ढूंढते फिरोगे मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो उसकी कोई खास जिम्मेदारी है नहीं वैसे हमारी। हाँ जी, तो इसलिए जब भी छुट्टी मारो तो होश में होकर देख लेना कि कल का जो टॉपिक है वो ऑटोमेटिक हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक थ्योरी बीच बीच में छोड़ छोड़ के रहती है कि आज पता चला चालक है चालक छोड़ दिया, आज चालक कल को करा रहे हैं, तो जो कल नहीं आया था उसके समझ में नहीं आएगा। हर एक टॉपिक इसमें ऐसा नहीं है जो एक घंटे में एक टॉपिक खत्म हो जाए, कुछ ना कुछ जुड़ा रह जाएगा या अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम 17, 18, 19 चैप्टर छोड़कर पहले ऐसा करा रहे हैं, क्योंकि इससे तुम्हें बहुत सारे चित्र मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल की तैयारी हो जाएगी, बहुत सारी तैयारी हो जाती है। 20 के चैप्टर छोटे छोटे हैं तुम्हारे, वो तो 8-10 दिन में सारे खत्म हो जाएंगे, 12-15 दिन में खत्म हो जाएंगे। इसकी परिभाषा ऊपर वालों के अपना लिखना, इसके चित्र बनेंगे।